स्पीकर मैडम मैडम स्पीकर वो भी बुलाएंगे ठीक बैठ 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 राजनाथ सिंह जी की बात रिपोर्टेंट आएगी आप लोग बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ राजनाथ सिंह जी बैठ आपको बुलाएंगे हम कह रहे हैं हम आपको बुलाएंगे मैडम 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 स्पीकर यस आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है आज यदि संसद में मैं खड़ा हुआ हूं अपने विचार व्यक्त करने के लिए तो मैं कहना चाहता हूं बहुत ही भारी मन बोझिल मन से मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैडम स्पीकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों की जमीन जबरन एक्वायर की जा रही है और कभी कभी उसी गांव के किसानों में फूट पैदा करने के लिए उनको विशेष प्रलोभन दिए जाते हैं ठेकेदारों की तरफ से उनको विशेष रूप से पैसा मुहैया कराया जाता है ताकि वह इस बात के लिए हस्ताक्षर कर दें कि नहीं मैं लैंड एक्विजिशन के लिए सहमत हूं फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ और मथुरा में जो कुछ भी हुआ है मैडम स्पीकर 14 अगस्त को जब सारा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था तो हमारे निरीह मथुरा और अलीगढ़ के किसानों पर गोली चलाई जा रही थी आंसू गैस गोली बरसाए जा रहे थे और लाठियां उनके ऊपर चलाई जा रही थी वहां के किसानों की बहुत ही एक छोटी सी मांग थी कि हमारा पड़ोस का जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है वहां के किसानों को जिस रेट पर कंपनसेशन दिया गया है उसी रेट पर हमको भी कंपनसेशन मुहैया कराया जाए बस इतनी ही बात और मैं यह भी कहना चाहता हूं और साथ ही जो वहां किसान यूनियन का नेता था उस आंदोलन का संचालन कर रहा था उसको उठाकर बिहाइंड बार कर दिया और यहां पर कांग्रेस रेड यूपीए गवर्नमेंट है दो वर्षों से लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल के संबंध में मैं लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट हाउस से जब पास हो रहा था आप लोगों ने विरोध किया था उसका लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल एक बार लाया जाना चाहिए और बिना किसानों की कंसेंट के एक इंच भी जमीन किसी भी सूरत में एक्वायर नहीं की जानी चाहिए और फर्टाइल लैंड और उपजाऊ जमीन का एक्विजिशन मैडम स्पीकर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस इस समय देश में वैसे ही तेजी से इतनी गंभीर होती जा रही है मैं कल स्वयं मौके पर गया था हमारे कई नेता गए थे शिवपाल जी यादव गए थे हमारे जयंत सिंह गए थे अजीत सिंह जी गए थे कई सांसद वहां पर गए थे और वहां पर उन लोगों ने देखा है कि किसानों के अंदर कैसा आक्रोश है अभी 10 मिनट पहले हमारी बात हुई है और वहां पर किसानों ने कहा कि हमारे नेता रामबाबू कठेरिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है समझौता करो और धमकी दी जा रही है उनको लेकिन हम लोग अब भी धरने पर बैठे हुए हैं अभी वहां पर उनके नेता नहीं पहुंचे हैं रामबाबू कठेरिया की रिहाई की जाए ताकि वो धरने में शामिल स्पीकर मैडम दीजिए अब इनको बोलने दीजिए दारा सिंह चौहान जी को बोलने दीजिए स्पीकर मैडम।